करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान ख़त्म हो गया है और रमज़ान के बाद अभी ये मेरी थर्ड बाइक राइड है। आज मैं रोड बाइक पे निकला हूँ। अभी एक जगह पे मैंने ब्रेक ली है, ये एक्चुअली रेस्ट एरिया है। ये इस रेस्ट एरिया में पीछे की तरफ ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी रेस्ट करने के लिए ये जगह है। और ब्राज़ील के बारे में कुछ वीडियोस दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स को ब्राज़ील के बारे में मालूम नहीं है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। दस बज के 16 मिनट हुए हैं। आज मैं घर से ऑलमोस्ट 9 बजे निकला था। 30 किलोमीटर की राइड कर चुका हूं, अभी भी 28 किलोमीटर ऑलमोस्ट बाकी हैं। ब्राज़ील में ये हाईवे है, मोटरवे जिस तरह पाकिस्तान में है, यहाँ पे भी इसके ऊपर आप 120 किलोमीटर के साथ जा सकते हैं अपनी कार पे, गाड़ी पे। यहाँ पे काफ़ी कॉमन है कि आप मोटरवेज पे जो साइड वाली जगह है वहाँ पे आप साइकिल कर सकते हैं, आपको अलाउ है, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने अमेरिका में देखा है, वहाँ पे अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं भी हर जगह पर नहीं जाता, हर मोटरवेज पर हाईवेज पर नहीं जाता, क्योंकि कुछ सेफ़ हैं कुछ सेफ़ नहीं है। ये वाली जगह काफ़ी सेफ़ है, इसलिए मैं यहाँ पे साइकिलिंग इजीली कर सकता हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अभी ऑलमोस्ट विंटर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी। अभी वापसी पे 3 बड़ी क्लाइम्स आएंगी, उनमें से एक ये क्लाइम बहुत टफ है। कैमरे में पता नहीं आपको नज़र आएगी या नहीं, ये क्लाइम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये वाली आज की दूसरी बड़ी क्लाइम है, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊंचाई है ये चढ़ाई।
स्पीड 60 किलोमीटर थी। मौसम बहुत अच्छा था, सर्दी है लेकिन धूप निकली हुई है, तो राइड करने का मज़ा आया है। आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ब्राज़ील के बारे में बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर जी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।